जिला झाविमो ने प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को पुस्तक उपलब्ध कराने और वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट के धन में हेराफेरी के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर महाधरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में आए झाविमो नेता कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और सरकार से जिला पर योजना वार व्यस्त श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। मुख्य विषय की शिक्षा और वित्तीय अनियमितता, दो विषय आज झारखंड में बिल्कुल ही गंभीर समस्या बनकर के खड़ी है। हमारे विधायक दल के नेता श्री प्रदीप यादव जी के नेतृत्व में झारखंड विधानसभा के अंदर में जोरदार शंखनाद के साथ में हम लोगों ने आवाज उठाई और झारखंड के दर्द को रखने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड की जनता चेती नहीं, झारखंड के नेता सत्ताधारी दल के बैठे नेता चेती नहीं, झारखंड की जनता त्राहिमाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों अखबारों में आपने देखा कि 45 लाख बच्चों को जो किताब की छपाई के कारण सरकारी विद्यालय में बच्चों को पाठ्य पुस्तिका नहीं मिला। अब आप सोच सकते हैं कि जहां पर शिक्षा प्रणाली इतना गंदा हो, जहां पर राज्य के नेता यह नहीं समझते हो कि 45 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा, जहां पर यह नहीं सोचते हो कि बच्चों को किताब नहीं मिलेगा तो शिक्षा आगे कैसे बढ़ेगी, अगर शिक्षा में हमारा राज्य इतना फिसड्डी होगा तब हम राज्य भारत में अग्रणी राज्य में कैसे ले जाए।